हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसा आप सब लोग। और आज की मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो हमारा एमिगो का लॉगिन है, अगर आपने एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो उसमें जो जैसे बुक्स तो आपकी आ जाएगी, मैंने बुक्स की भी रिलेटेड वीडियो बना दी थी, लेकिन अगर आपके बुक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो नीचे। मेरे जो जुलाई 2022 सेशन की बुक्स थी वो आ चुकी है। सो आज हम देखेंगे कि हम जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस है, आपको बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती होगी कि ऑनलाइन क्लासेस में कैसे लॉगिन करें। कुछ साइट में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस में मतलब पूरा प्रोसीजर कि शुरू से और एंड तक क्या क्या आपको करना है और ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपको जो मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर, ये कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए। सो मोबाइल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कंप्यूटर लैपटॉप को पता है तो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना जीमेल अकाउंट खोलना है, क्योंकि जब आपने रजिस्टर किया होगा एमिटी में तो आपको आपने जीमेल अकाउंट दिया होगा। तो मैं सिंपली अब यहाँ पे एमिटी क्लिक करता हूँ, क्योंकि एमिटी से मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन का मेल आईडी ये सब आया था। अब आप जैसे देख सकते हो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट जोन है। अब वो स्टूडेंट जोन में यहाँ पे हमें दो मेल आईडी दी हुई है, एक मेल आईडी दी हुई है एमिटी ऑफिशियल ईमेल आईडी और दूसरी दी हुई है स्टूडेंट जोन। अब आप कन्फ्यूज होंगे कि ये क्या है, तो आपको बता दूं ये जो एमिटी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ये जो जीमेल है, ये जीमेल का अकाउंट आपको एक देते हैं ताकि आपको कैलेंडर और ये सब कुछ मिल सके। और ये दूसरा स्टूडेंट जोन है, ये एमिटी का खुद का जो वेबसाइट है वहाँ आपके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान में रख लेना, जो आपको एमिटी के ऑफिशियल मेल आईडी, इसे मैंने हाइड किया हुआ है, आपके में सेम ऐसी आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक ऐड न्यू अकाउंट बना लूँगा, और न्यू अकाउंट बनाने के बाद मैं यहाँ पे साइन इन क्लिक करूँगा। अब साइन इन यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जो मुझे यहाँ पे एमिटी के ऑफिशियल ईमेल आईडी दी गई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरा था सागर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी मेल आईडी। अब जब मैं नेक्स्ट की, तो जैसे जब मैंने नेक्स्ट किया था, अभी मुझे पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे लॉगिन आईडी के साथ मैं पासवर्ड मिला हुआ है, तो मैं ये सेम पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आप यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ लॉगिन के लिए। अब जब मैंने लॉगिन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम आ गया और यहाँ पे लिखा है कि आप एक न्यू अकाउंट बना रहे, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। टर्न ऑन सेंस को भी मैं यस कर देता हूँ। अब जो मेरा यहाँ पे एक न्यू अकाउंट है, यहाँ पे मेरा न्यू अकाउंट क्रिएट हो चुका है सागर मोदी के नाम से, जो मेरा कॉलेज का आईडी है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं एमिटी ऑनलाइन में जाऊँगा, एमिटी ऑनलाइन पर जाके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा पहले लिंक पे। उसके बाद मुझे यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपना जो दूसरा ये स्टूडेंट जोन था, अब ये स्टूडेंट जोन वाला आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना है। जब यहाँ पे सबमिट करोगे तो ये क्लिक नहीं हो, बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्लिक ना हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि वो जो लॉगिन का पेज है, आप जब यहाँ पे मेल आईडी डालो तो उसके बाद ये सबमिट का बटन क्लिक ना हो। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे मेल आईडी डालना, सीधे इसे क्लोज कर देना है। अब सीधे क्लोज करके आपको वापस यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना है और यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा और आपका लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए, अब आपका लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन में आपको अपने व्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जब न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे माई कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। अब जब आप माई कोर्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ये वाले चीज दिखेंगे, यहाँ पे आपको आपका जो सेमेस्टर है वो सारे सेमेस्टर्स आपके आपको सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे और सब्जेक्ट्स में आपको जिस भी आप सब्जेक्ट में क्लिक करोगे उसके बाद आपको सारे क्लासेस और उसके वीडियोस दिख जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसकी जो मुझे वीडियो है वो अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो जो भी वीडियोज है मेरे सारे चैप्टर्स के, हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है। वीडियोज तो अवेलेबल हो गए, उसके अलावा हमारा एक ऑनलाइन क्लासरूम नाम का, इसी के अंदर आपको एक ऑनलाइन क्लासरूम नाम का लिंक दिख जाएगा। अब जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करोगे अंडर ग्रेजुएट पे, तो जो मेरा कोर्स है वो बैचलर ऑफ साइंस है, तो मैं अब इस पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे आ रहे। तो मेरा जो मेनली क्लास है वो जुलाई सेशन से स्टार्ट हुआ था, तो मैं अब जुलाई पे जाता हूँ। जुलाई पे आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट बैच ऑफ जुलाई क्लास। अब ये क्लास यहाँ पे हो गई, अब यहाँ पे उनका मीटिंग का कोड है। अब मान लो कि मेरे क्लासेस मिस हो गई, मैंने क्लासेस किया नहीं, तो आपको क्लासेस दिख जाएंगी, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डिंग देखना है क्लासेस के,
तो आपको सिंपली यहाँ पे बैक जाना पड़ेगा। सिंपली आपको इस पेज पे आना है और यहाँ पे क्लास रिकॉर्डिंग्स ओपन कैलेंडर का एक ऑप्शन है, अब इस पे आपको क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पे नीचे करोगे तो आपको नीचे एक कैलेंडर ओपन होता दिखेगा। आप ये ध्यान में रखना कि आपको जो MET से लॉगिन दिया हुआ था उसी लॉगिन पे आप लॉगिन करो, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लासेस दिख जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ से गूगल कैलेंडर पे रिडायरेक्ट हो जाता हूँ। अब जब मैं यहाँ से कैलेंडर देख सकते हो कि मेरे जो कैलेंडर है ये लॉगिन है मेरा कॉलेज का ID से, तो यहाँ पे मुझे सब कुछ दिख रहा है जो भी मेरा कोर्स है। अब मैं जुलाई के टाइम पे जाता हूँ और 7 तारीख के दिन पे जाता हूँ। अब 7 तारीख के पे यहाँ पे मुझे मेरे जो क्लासेस है वो दिखेंगे। मान लो ये मेरा इंट्रोडक्शन टू मेल है, अब मुझे इसकी वीडियो देखनी है। जब आप इसकी वीडियो पे यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे वीडियो दिख जाएगी। अब जब आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे तो अब ये वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आपको थोड़ा वेट करना है और ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बार आपको यहाँ पे ये ऐसा ना मिले, थोड़ा नीचे मिले, जैसा कि आप देखोगे आपको ऐसा लगा कि रिकॉर्डिंग का है, तो आपको सिंपली यहाँ से नीचे जाना है और नीचे आपको ऐसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब आप यहाँ से रिकॉर्डिंग को प्ले करके देख सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो। सो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दो और जो भी आपको सवाल है वो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।